जिला परिषद सदस्य कुंगा बौद्ध ने लाहौल स्पीति की पवित्र चंद्रभागा नदी संगम स्थल पर संगम घाट का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर केंद्र और प्रदेश सरकार से बजट का प्रावधान करने का आग्रह किया है, ताकि घाटी के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा मिल सके। हमारे जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में जो प्रस्तावित जो घाट है, जो लोगों ने कई समय से डिमांड किया हुआ था कि चंद्रभागा संगम जो पवित्र नदी है वहाँ पे एक घाट का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ की जो की लोगों की आस्था है, साथ ही साथ जो एक टूरिज्म पर्पस से जो ये प्रमोट होगी वहाँ पे, तो काफ़ी फायदा होगा उससे हमारे स्थानीय लोगों को। तो कई समय से इसकी मांग चल रही थी। इसमें जो सच्चाई है, जो पूर्व में जो सरकार उसमें जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने उस टाइम इसके लिए जो काम शुरू, उनको ये प्रपोजल लोगों की पसंद आई और उन्होंने तुरंत इस पे काम करने के लिए बजट स्वीकृत किया, जो कि 50 लाख उन्होंने काम शुरू करने के लिए इसका बजट स्वीकृत किया था, जिसकी जो है एडवांस जो मनी है, जो काम शुरू करने के लिए एडवांस मनी जो है 50 लाख की, जो 25% बनती है 12.5 लाख, वो PWD विभाग के पास आ चुकी है। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जनजातीय विकास मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी खुद सर्दियों के मौसम में आज दिसंबर के महीने में वहाँ पे विजिट करके आए हैं। अच्छी बात है, हम सबको राजनीति से ऊपर उठ के इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि 4 साल लग गए सरकार को ये सोचते सोचते कि यहाँ पे घाट का निर्माण हो सकता है। सरकार और प्रशासन को अब जागना चाहिए और यहाँ पे जो से कैसे यहाँ पे मार्केट्स बनेंगी, जो भी इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए करना है उसको वेल प्रिपेयर करें, इसका जो प्रॉपर डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि पहले भी इसकी डिज़ाइन बनी थी, जो शायद अब किस कारण वजह इसे रिजेक्ट किया है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं जिला परिषद बना हूँ बार बार लोगों की जो डिमांड्स आ रही है कि भाई यहाँ पे घाट बनना चाहिए, और जो दोनों साइड से जो वहाँ पे नदी की वजह से जो दोनों साइड का जो भूमि का कटाव हो रहा है, चाहे वो गुशाल साइड से दांधी साइड से, इसके बचाव के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जब मैं पूरे इसके संगम घाट के जो पूरे पुराने कागज़ फाइलें निकालने के लिए जो मैं विभागों में गया, तो मैंने देखा कि जो टूरिज़्म डेवलपमेंट के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू इसमें जो बजट का प्रावधान हुआ था, और अभी PWD के पास इसकी जो एस्टिमेटेड जो एडवांस मनी है वो पहुंच चुकी है। और इसमें जो फ्लड प्रोटेक्शन की बात है, वो जल शक्ति विभाग के पास भी मैं गया और जल शक्ति विभाग ने भी अपनी एस्टिमेट जो है आगे भेज दी गई है सरकार के पास, जिसमें उन्होंने 6 करोड़ का एक प्रपोजल बनाया हुआ है, ताकि वो जो फ्लड से भी प्रोटेक्ट रहे वो जो एरिया है, जो गुशाल साइड का और तांदीपुल का जो एरिया है। मैं चाहूँगा राजनीति से ऊपर उठ के इस प्रोजेक्ट को एक हिमाचल का ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट सोच के इसे बनाया जाए और अच्छे तरीके से इसकी एस्टीमेट बनाई जाए और पूरा प्रॉपर तरीके से वेल डिज़ाइन, हालांकि पहले भी डिज़ाइन बन चुकी है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग हुई है कहाँ पे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।